नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्वायरमेंट गुरु पर। दोस्तों, एक बार फिर से होंडा कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टप्पूगढ़ अलवर राजस्थान की ओर से नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दो राज्यों के छात्रों को मौका दिया जाएगा इस कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए। तथा ITI 10वीं 12वीं पास आउट कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे इस कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए। और कैंपस प्लेसमेंट दोस्तों 22 अगस्त को ही लगाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 22 अगस्त को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। तो कंपनी का जो आपका एड्रेस है राजस्थान अलवर में, आपको जाना होगा। कंपनी में आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा और कंपनी में आपका जो इंटरव्यू कहां पर लगाया जाएगा, इसके अलावा आपको पूरी जानकारी कंपनी का इस आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा तथा इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना नई भर्ती की जानकारी के लिए। तो कंपनी के बारे में आप यहाँ पर पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी ने आपका होंडा कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पर फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। वर्क प्रोफाइल गाइस, यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप और ट्रेनी फिक्स टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपनी में आपको भर्ती कराया जाएगा। जॉब लोकेशन अलवर राजस्थान है, ठीक है। क्वालिफिकेशन 10वीं 10-12 के साथ जिन्होंने ITI पास आउट किया है वह ट्रेड के कैंडिडेट्स आप यहाँ आप जा सकते हैं। सैलरी यहाँ पर आपको 16,500 से लेकर 24,500 रुपये प्रति माह आपको वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट आपका 22 अगस्त 2024 यानी कि कल आपका कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट के लिए कंपनी में आपको भर्ती कराया जाएगा तथा बेल्ट शॉप के लिए आपको कंपनी में आपको भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं होंडा कार इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में के कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए। आप किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी संबंधित ट्रेड से ITI NCBT SCBT से पास होना चाहिए। ITI में आपका ट्रेड ऑल टेक्निकल ट्रेड है। ITI पास आउट 2020-21-22-23 और 24 पास आउट कैंडिडेट्स यहाँ पर आप जा सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों छात्र यहाँ पर जा सकते हैं। एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के कैंडिडेट्स आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ओनली फॉर पुरुष अभ्यर्थी ही इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कंपनी में आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो जो अप्रेंटिसशिप में जाएंगे उनको 16,500 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा, जिसमें से आपको कटने के बाद आपको लगभग 14,000 रुपये प्रतिमाह आपको वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा FTE वाले कैंडिडेट्स को 24,500 रुपये आपको CTC दिया जाएगा, जिसमें आपका कैंटीन बस ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग होंगी, ठीक है। अदर बेनिफिट्स आप PF PSI कैंटीन बस सेफ्टी शूज यूनिफॉर्म दिवाली बोनस मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी, और आपको इस कंपनी में हफ्ते में दो ऑफ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सैटरडे और संडे प्रति हफ्ते आपका छुट्टी रहेगा, ठीक है। वर्किंग आवर आपका 9 घंटे का प्रतिदिन आपका ड्यूटी रहेगा। आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर के जाना, तो आपके रिज्यूम, बायोडाटा, 10वीं ITI की मार्कशीट, ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल, पासपोर्ट साइज, कलर फोटोग्राफ, यह सभी दस्तावेज आपको लेकर के जाना है। और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद बॉल्किन इंटरव्यू आपको करवाया जाएगा, रिटर्न टेस्ट देना होगा, देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट कंपनी में आपको करवाया जाएगा, देन आपको ज्वाइनिंग करवाया जाएगा होंडा के ट्रेनिंग सेंटर में, आपको 2 हफ्ते के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग दिया जाएगा। हु कैन एलिजिबल, ओनली फॉर हिमाचल और पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स ही आप इस कंपनी के कैंपस में भाग लेने के लिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी राज्यों के लिए यहाँ पर अभी आने वाला है भर्ती, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ के रहें। वहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर भर्ती की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो आपको यहाँ पर होंडा कार की नई भर्ती की जानकारी वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 अगस्त को लगा जाएगा, सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू का एड्रेस है सरकारी ITI कॉलेज ऊना हिमाचल प्रदेश में लगा जाएगा। आप यहाँ से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जिसमें आपको और भी जानकारी उपलब्ध हो जाएंगी। ध्यान रखें, इस भर्ती के लिए ओनली फॉर हिमाचल और पंजाब स्टेट के कैंडिडेट्स ही यहाँ पर मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इस कैंपस में भाग लेने के लिए जा सकते हैं। और आपको इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। और नई भर्ती की जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े तथा वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको इस नोटिफिकेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।